गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ की 8 क्लास की हम लोग आज 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 किया था, 2 मैंने लास्ट टाइम आपको उसके ऑपरेशंस पढ़े थे, ऑपरेशंस ऑफ सेट जिसमें कम्यूटेटिव ऑफ आवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आज हम करेंगे एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसके ऑलरेडी मैंने आपको टाइप समझा दी थी, मैथड समझा दिया था, आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई उसका फर्स्ट पार्ट है। आज मैं सिर्फ यूनियन पे करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंटरसेक्शन पे करूंगा। उसका ए पार्ट में है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, और उसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 4 पार्ट है। इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट था 4 पे से करने हैं, इसमें जो बी पार्ट उसी के साथ ही फिर वो इंटरसेक्शन में करने हैं। ए पार्ट में है x is equal to सेट है a b c d और y सेट है b d c f और z सेट है c f g और h। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी x यूनियन y यूनियन z। सबसे पहले जब आपके पास ये फॉर्म हो तो जो ब्रैकेट रहते हैं सबसे पहले हम उसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में क्या है आपके पास y यूनियन z। अब आप इसके सिर्फ यूनिट फाइंड करनी है, y की वैल्यू क्या आपके पास b d c f, उसके बाद साइन का साइन यूनियन का आप इधर से लेना और फिर z की वैल्यू पुट करें, z की वैल्यू है c f g h। अब आपने यूनियन में करे तमाम एलिमेंट्स को अच्छे से लिख दिया जाता है। अब आप लिखे b है c है उनको वन टाइम लिखे b c, उसके बाद d है और उसके बाद f है और g और h। ये आपके पास x y z है। अब आपने x के साथ इसको फाइंड आउट करना है, वो आपका आएगा x यूनियन y यूनियन z। अब आप सबसे पहले x की वैल्यू पुट करनी है, वो है a b c d और यूनियन के साइड डालें और y z की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट की है, इसको पुट करें b c d f और g। अब आपने तमाम का साइड का यूनियन का तो इसके यूनियन ले लेंगे, वो क्या आएगा a b c तमाम एलिमेंट को वन टाइम कर दे देना है a b c d f g। वही यहां पर एज मैंने डिलीट कर एज और जी और एज, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड आउट कर ली इसी क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, अब आप इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करें, वो आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, वो है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। सबसे पहले आपने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, आपने x union y सबसे पहले x की वैल्यू पुट करें, वो है a b c d union, उसके बाद वैल्यू है y की वो है b d c f। अब आप इसकी यूनिट ले लेनी है, यूनिट तमाम में पुट करें a b c d और f, ये आपने राइट हैंड साइड में x x union y को फाइंड आउट किया। अब आपने इसके z साइड यूनियन लेनी है, वो आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z। अब आपने जो वेरीफाई किया है उसका सब लिखेंगे a b c d f यूनियन z की वैल्यू क्या आपके पास है, वो है b नहीं वो है c f g और h। अब आपने तमाम एलिमेंट को एक्सप्रेस किया यूनियन में a b c d f g a। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो आपको देखेंगे दोनों के आंसर क्या है सेम है, तो ये प्रूफ हुआ हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हेंस फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने बाकी जो लेफ्ट ऑफ द 4 3 क्वेश्चन है
1 2 3 4 वो आपने किसी मेथड से करना है और यूनियन से करना है। इसके बाद जो बी पार्ट है वो इंटरसेक्शन में है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करनी आती है। सेम इसी तरह आप लोगों ने उसको भी फाइंड करना है, वहां पर भी ये है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो आपने सेम इसी तरह लेफ्ट साइड लेनी है, उसमें भी जो ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z है वो आपने सबसे पहले उसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, जैसे मैंने यहां पर फाइंड किया है। फिर इसको एक्सरसाइज की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लगी। इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड में इसको फाइंड आउट करोगे तो उसमें भी आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको इंटरसेक्शन करके, इंटरसेक्शन क्या होते हैं जो कॉमन होते हैं, मुश्तरक है, सेम है, तो वो आपने सेम ब्रैकेट कर लेना है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ए यूनियन और इंटरसेक्शन का ए और बी पार्ट, सेम ऐसे ही वहां पर बी पार्ट भी करना है। ये यूनियन में था तमाम एलिमेंट कट लेते हैं, इंटरसेक्शन में करते हैं कुछ एलिमेंट्स को जो कॉमन होते हैं सेम होते हैं उनको वहां पर मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको उसका जो बी पार्ट है आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन का क्वेश्चन यूनियन मैंने समझा दिया, एक क्वेश्चन बाकी है खुद करें। इंटरसेक्शन का मेथड मैंने आपको समझा दिया, अब आप खुद करेंगे। तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। कल मैं आपको डी मॉडल्स का समझाऊंगा और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट लॉ समझाऊंगा कि वो क्या चीज है। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी का क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट ए बी सी जो मैटर है जो सेट है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी के साथ आप लोगों ने इसको करना है। ये आपने क्वेश्चन चले इसका मैं मैथड नेक्स्ट में जाऊंगा ये आप लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, आप इसको नोट करें प्रैक्टिस करें और उम्मीद है कि आप लोग इस तमाम क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज नोट करें।